आपा तो एक बात कही जाया करे कि अगर बढ़िया मेहनत करके बढ़िया स्किल्स अचीव कर लेगा तो उसके बाद जो सक्सेस है वह भी बढ़िया और अनबीटेबल मिल जाएगी। पर अगर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करा तो इसमें कुछ कलाकार ऐसे है जिन्हें बढ़िया सिंगिंग करनी आवे है, जो कि नामी कलाकारा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पर फिर भी जो इन्हें नेम फेम और पहचान जो मिली है वह उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम मिली है और ये उस तो गणित ज़्यादा डिजर्व करे है। और आज की वीडियो में तीन ऐसे कलाकार है जिनमें तय एक कलाकार ने तो फेमस सिंगर जुगर अमित सैनी रोहतकिया एंडी कुंडू इनके गाने लिखे हैं और इनके साथ में और भी कई कलाकारों के गाने लिखे हैं, और किसी ने इंटरनेशनल वाइब के गाने दिए हैं और किसी ने हरियाणा के सब तय हिट गाने रील्स पर दिए हैं जिन पर 3-4 मिलियन रील्स बन गई। तो पहला कलाकार है दादा साधु। दूसरा कलाकार है ध्रुव बाल्याण। तेरी पलक झपकते रात बावली न सावन हो बरसात बावली। तीसरा कलाकार है जीपी जी। तेरे मार दे स्टाइल छोरे काम आते आगे तू भी 3B2 घूमे फुल टोर टप्पा लागे। दादा साधु की जो आजकल लिरिक्स देखी जावे है और जो सिंगिंग में आवाज देखी जावे है वह बहुत प्यारी लागे है। आरपी सिंह का पाछे से एक ब्लिस नाम तक गाना आया था वो भी आधा दादा साधु ने गाया था और उसमें भी जो आवाज थी वह कसूती देखी गई थी। और उससे पहला तो एक गाना सब ने सुना होगा जो कि कुछ ऐसा था, हो बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र। यो गाना था 10 डोन और यो गाना भी लिखा गया था दादा साधु ने। इस गाने पर जो रील्स बन ली वे बन रही है 3.8-3.9 मिलियन और इतने तो आजकल फेमस कलाकार के गाने पे व्यूज भी नाते। इब दूसरे कलाकार की बात करा तो वो है ध्रुव बाल्याण। ध्रुव बाल्याण के ज्यादातर गाने में अपन काका का म्यूजिक सुनने मिलया करे और काका इन गाने में कई बार सिंगिंग भी करे है। हाथ गाल के थोड़ी सी दूर चाल के यार बदलगी कार बदलगी बड़े तगाजे थे। इसके ज्यादातर गाने रोमांटिक टाइप के देखे जाया करे पर जो वाइब है वह हरियाणा में इब तक ना आई है, एकदम अलग सी है और न्यू कह सका हाँ कि ये गाने टाइम तक थोड़ी ही आगे चल रहे है। इस कलाकार के गाने के कुछ एग्जाम्पल देखा तो पहला गाना है पैराडाइज, दूसरा गाना है ब्राउनी और यह लिस्ट छोटी को न्या गाने दुनिया भर के इस कलाकार ने बना रखे है और ईपी और एल्बम भी आई है। तीसरे कलाकार की बात करा तो वो है जीपी जी और यो कलाकार जिस अंगे की गैल म्यूजिक इंडस्ट्री में डट रहा है यो अंगा शायद किसी कलाकार में पावे। इस अंगे तय मेरा मतलब है एक चीज पर लगातार टिके रहन का। यो कलाकार पिछले 10-12 साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री में डट रहा है और इस बीच में इसने अमित सैनी रोहतक यात्रा 100 मिलियन तो ऊपर वाला गाना भी लिख कर दिया है और साथ में 2017-18 के टाइम पर खुद भी एक गाना गाया था जिसमें अमनराज का म्यूजिक रैप था, वो गाना भी उन टाइम में 5-6 मिलियन तो ऊपर चला गया था। इसके साथ में एंडी कुंडू की एक ईपी आई थी थोड़े दिन पहले Day 1 नाम था और उसका जो टाइटल ट्रैक था Day 1 जिसमें KD का रैप भी था वो गाना जीपी जी ने लिख रखा था। यो कलाकार गाने लिखे है गावे है रैप भी करे है और अपने गाने में एक्टिंग तो करे है, मतलब मल्टी टैलेंटेड कलाकार है और इसने सारे डाल के हिप हॉप ट्रैक तक लेकर रोमांटिक और स्लो वाइब के गाने भी म्यूजिक इंडस्ट्री तक दिए है। पर ऐसा लग गया है जनू इस कलाकार की जो वाइब है लोग उस वाइब तक रिलेटिव ना कर पाए है। तो ये थे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के तीन कलाकार जिनमें कला तो बढ़िया है पर उस कला के हिसाब से जो चीज़ ये डिजर्व करे है वह चीज़ इबई ने ना मिली है। हमने इन तीन कलाकारों में तक कौन से कलाकार के गाने पहला सुन रखे है और थारा फेवरेट कलाकार कौन सा है कमेंट में बताइयो। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।